कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता समाप्त किए जाने के खिलाफ जयस्तंभ चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन करने के लिए कांग्रेसी एकत्रित हुए। पुलिस प्रशासन ने उनको रोका तो इस दौरान पुलिसकर्मी और कांग्रेसियों के बीच काफी तनातनी भी हुई। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव पूर्व विधायक निशंक कुमार जैन ने कहा कि जिस तरह लोकतंत्र की हत्या करते हुए केंद्र सरकार के दबाव में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई, जब तक सदस्यता बहाल नहीं होती है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसी क्रम में आज केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया है। कांग्रेस जनों द्वारा पुतला दहन कर नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर प्रदेश महासचिव विकास शर्मा, कृष्ण मोहन शर्मा, राजकुमार सेन, प्रशांत नायक आदि लोग मौजूद थे। जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करते हुए केंद्र सरकार के दबाव में लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल जी की सदस्यता निरस्त की है, उसके विरोध में आज गंज बासुदा की कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार का पुतला जलाया। और जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल नहीं होती, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूरे जिले में और पूरी गंज बासुदा विधानसभा में हर जगह प्रदर्शन किया जाएगा। अति शीघ्र हम गंज बासुदा विधानसभा की 256 बूथों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। नगर के हर वार्ड में धरना दिया जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में हर पोलिंग बूथ पे धरना दिया जाएगा। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर बड़े कार्यक्रम किए जाएंगे।